ध्यान से देखना, और वैरायटी कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर टू, टू का ए, अब ध्यान से देखेंगे। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन आ गई, शिव मोहन एंड हरी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:5:4। मोहन रिटायर्ड एंड हिज शेयर वॉज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन शिव एंड हरी। कौन रिटायर्ड? मोहन रिटायर्ड। हिज शेयर वॉज टेकन ओवर बाय शिव एंड हरी इक्वली। उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया ना, उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया, तो शिव को क्या मिलेगा इसका 50%, हरी को क्या मिलेगा इसका 50%। तो शिव को क्या मिलेगा? 14 है ये, तो 5/14 का हाफ तो क्या है 5/28। हरी को क्या मिलेगा? 5/14 का हाफ 5/28। तो ये 5/28 क्या कैलकुलेट करा हमने? एक्चुअल गेन। ये क्या है? गेन कैलकुलेट करा। ये न्यू रेशियो नहीं है, ये गेनिंग रेशियो भी नहीं है, ये क्या है? एक्चुअल गेन। ये क्या है? एक्चुअल गेन ऑफ द टू पार्टनर्स। एक्चुअल गेन को कंपेयर करके हम निकालते हैं गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो तो क्या है? 1:1, दोनों का गेन इक्वल है। तो गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द एक्चुअल गेन। तो ये जो हमने 5/28 और 5/28 निकाला, दिस इज द एक्चुअल गेन। अरे सुनेंगे ध्यान से, ये है शेयर, ये है ओल्ड रेशियो। नीचे उनका शेयर नहीं है, नीचे है जो मोहन, मोहन का शेयर है, वो कौन टेक ओवर कर रहा है? ये मोहन का शेयर अभी डिवाइड हो रहा है, ये हरी का शेयर। यही तो मैं कह रहा हूं, यही तो समझना है कि ये शिव और हरी का क्या कैलकुलेट हुआ है, गेन उनको कितना मिलेगा। तो 5/14 था, उसको आधा आधा बांट लो तो दोनों को बराबर ही तो मिलेगा। ये गेन कैलकुलेट हुआ है, अभी न्यू रेशियो कैलकुलेट नहीं हुआ। कोई डाउट? अब न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? न्यू रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो लिखते हैं, बट वो होता क्या एक्चुअली? गेन्ड प्रॉफिट शेयर, कि आपने गेन कितना करा। तो कौन कौन है पार्टनर्स? शिव, शिव का ओल्ड रेशियो क्या था? 5/14। कितना गेन करा? 5/28। और तीसरा कौन है? दूसरा अब हरी, उसका शेयर क्या था? 4। अब यहाँ पे है वो चीज जो आपने तब मिस इंटरप्रेट करी, इसमें ऐड हो जाएगा क्या? 5/28। 28, 14, 2, 2 5 are 10 प्लस 5, 15/28। 28, 14, 2 2 4 are 8 5, 13/28। तो न्यू रेशियो बिटवीन शिव एंड हरी इज 15:13। कोई भी डाउट? इजी इजी, डिफिकल्ट क्या मतलब? वैरायटी है रिटायरमेंट की, पहली बार डिफरेंट है, उसके बाद इजी है। अगर समझ आ जाए तो बहुत इजी है। लैंग्वेज पे ध्यान रखना है, भागना नहीं है, क्योंकि रेशियो कैलकुलेशन गलत होगी ना तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल गलत हो। और बहुत अच्छे से कर लेना रेशियो कैलकुलेशन और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, क्योंकि एग्जैक्टली सेम होगा डेथ में, रिटायरमेंट और डेथ में। खुद सोचो ना, तीन पार्टनर्स थे, एक चला गया, डेथ में भी क्या होगा? तीन पार्टनर्स थे, एक चला गया, एक अपनी मर्जी से, दूसरा भगवान की मर्जी से। अकाउंटिंग में कोई फर्क नहीं आएगा, अकाउंटिंग में कुछ चीजों में कोई फर्क नहीं आएगा। हाँ फर्क क्या आएगा? रिटायरमेंट प्लान्ड होती है तो आपके काम आसान करने के लिए वो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर रिटायर करेगा, जब बाकी सारी कैलकुलेशन हो चुकी होंगी। डेथ तो कभी भी हो सकती है, तो वो ड्यूरिंग द ईयर होगी, तो कुछ बस एडिशनल कैलकुलेशन आ जाएंगी। रेशियो कैलकुलेशन में टाइम पीरियड का कोई लेना देना नहीं होता, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में टाइम पीरियड का कोई लेना देना नहीं होता, तो वो कैलकुलेशन एग्जैक्टली सेम रहेंगी डेथ में भी। तो रिटायरमेंट में हम इतने सारे केसेस कवर कर लेंगे कि डेथ में हमें दिक्कत ना आए। ओके, बट ध्यान से, तो ये था क्वेश्चन टू का पार्ट ए।
बी मैं कर नहीं रहा क्योंकि बी एग्जैक्टली सेम है फर्स्ट जैसा, पी क्यू आर 5:4:1, पी रिटायर्स, तो मैंने बोला ना काट दो, न्यू रेशियो 4:1, कोई डाउट? चलो सर आगे बढ़ो।